नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राही दिन धाम पर। मैं हूँ राम कुमार मिश्रा और मेरे साथ है गौरव, जिन्होंने 2022 दिसंबर वाला एग्जाम, जिनका एग्जाम 2023 में हुआ था, रिजल्ट अभी आया हुआ है, उसमें इन्होंने नेट जे आर एफ में सफलता पाई है और आज मेरे यहाँ सफलता समारोह में ये लोग आए हुए हैं और उसी का इंटरव्यू ये शूट हो रहा है जो आप सभी के पास तक पहुँच रहा है। हमारे कई विद्यार्थियों के इंटरव्यू आप लोग देख चुके हैं, अगर नहीं देखे तो आपको देखना चाहिए। मेरा इंटरव्यू इसलिए भी होता है कि जिससे आप सभी लोग ये देख सकें कि कैसे ये लोग करते हैं, कैसे ये पढ़ के आगे बढ़े, क्योंकि जब तक हम सफल नहीं होते हमारे मन में ये संशय रहता है क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, है ना। तो मैं स्वागत करता हूँ गौरव आपका राही दिन धाम पे। कैसे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, मज़ा आ रहा है। पहले थैंक यू आपको बोलना चाहूँगा सर कि आपके मार्गदर्शन में हमारा नेट क्लियर हो गया। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैं 2022 में आपकी पहली वीडियो देखी थी मैंने, अच्छा, दो हजार वो बाईस हाँ वो भी मेरे को नॉलेज थी नहीं। मेरी एमए कंप्लीट लास्ट ईयर ही था लॉकडाउन के बाद, तो मैंने फिर ये पता चला कि वो भी एक लड़के ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा कुछ है। उसने पूरा नाम नहीं बताया कि यूजीसी नेट है, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च वगैरह करा तो सबसे पहले आपकी वीडियो दिखी। फिर मतलब देखने में तो है ही आप सुंदर पढ़ाते और बढ़िया है सर, वही। फिर मैंने वहाँ से आपका चैनल देखा, फिर वहाँ से तैयारी करी, लेकिन मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे पढ़ाई हो नहीं पाई, मैं बीमार हो गया तो ऐसी हुई। लेकिन मेरे को नॉलेज होगी कि हाँ पेपर कैसा आता है। फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने तैयारी करी, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि हाँ ये जब कंटेंट मिला मेरे को इतना सारा तो मैं पढ़ नहीं पाया कि हाँ ये भी पढ़ूँ ये भी पढ़ूँ। तो पेपर के टाइम मैं बुक और नोट्स सारे लेके बैठ गया कि हाँ इसमें 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 इसमें, तो उसमें भी दो तीन क्वेश्चन से रह गया मेरा। लेकिन थर्ड में वो कर लिया था कि थर्ड में तो जैसा सर बोलेंगे वैसा करना है, तो मैंने सब आपकी मैराथन वगैरह ली, घर घर नोट्स लिए आपके। पहले मैं सोचा कि ये पहले कंप्लीट करने हैं आगे फिर करने हैं, आपकी क्लासेस ली, पेड क्लासेस ली, फिर नोट्स बनाए। और लास्ट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि खाली नोट्स के अलावा मेरे को बुक्स वगैरह नहीं देखनी है, और मैंने खाली नोट्स वगैरह पढ़े और नेट हो गया इस बार। तो सर बहुत बहुत थैंक यू चलो, आपका। बहुत बढ़िया लगा। अच्छा ये बताओ, आपने दो बार एग्जाम दिया और नहीं हुआ, तीसरी बार एग्जाम हुआ, तो इन असफलता और सफलता के बीच में वो चीजें बताइए जो आगे विद्यार्थियों को लाभदायक हो। कौन कौन सी कमियां आपने की जो नहीं इनको करनी चाहिए? कमी ये थी कि या तो एक टीचर डिसाइड कर लीजिए कि हाँ इसी का पढ़ना है, जो जैसा बताएंगे वैसे नोट्स करने हमें उसी को फॉलो करना है। अगर कई सारे टीचर कर लिया या कई सारा कंटेंट उतना होना चाहिए कि जितना आपका हेल्पफुल हो, उतना क्या नहीं कि मकसद है? आपको कि क्या नाम है डिसमोटिवेट कर दे या डिसगाइड कर दे। तो बस टीचर एक लीजिए और उनको फॉलो कीजिए, तो आपका नेट क्या JRF जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे उसमें। इसका सिलेबस देख के, जैसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इतना बड़ा, कितना समय देना चाहिए विद्यार्थी को? मतलब कितना समय तैयारी के लिए सफिशियंट है अगर वो लगातार पढ़ता है तो? अगर फ्री, मैं फ्री था, जॉब वॉब करता नहीं था, मिली भी नहीं थी, तो मैं इसमें लगभग 7-8 घंटे लगभग, और जब जैसे नोटिफिकेशन आ जाता था उसके बाद अपना जैसे टाइम के हिसाब से बढ़ा देता था, 10 घंटे हो गए, थोड़ा बहुत सो गया बीच में पर। लेकिन बाहर आना जाना मैंने बंद ही कर दिया था जब नोटिफिकेशन वगैरह आया था कि हाँ अब तो पेपर है ही सर पे। तो अपना 10 घंटे 12 घंटे इतना काफ़ी है, ये नहीं है कि रात रात भर मैं जगा फिर दिन में भी कर रहा हूँ। मैंने इतने ही घंटे स्टडी करी तो मैं 12 घंटे से ज़्यादा मैं बोलूँगा भी नहीं। अगर खाली है तो ठीक है, अगर वर्किंग में है तब भी आपको वीकली 3-4 घंटे इतना काफ़ी होगा आपके लिए। बाकी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि अगर उसका फर्स्ट बेस। पेपर को कैसे मैनेज करें? जैसे फर्स्ट पेपर हिंदी वालों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, तुम्हारा सर बैकग्राउंड क्या था? सर मैं फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा था क्योंकि मैं 12th तक साइंस बैकग्राउंड था साइंस मेरा, वाले? मैथ थी मेरे पास तो फर्स्ट पेपर। बाकी तलवी सर की मैंने क्लासेस ली थी तो मैं और कुछ उनके अलावा पढ़ा नहीं। मैंने बुक मंगाई थी फर्स्ट पेपर की लेकिन मैंने पढ़ी नहीं उसको, तो मैं सर की उस पर मैराथन वगैरह ली थी, और हिंदी के लिए तो सर आप थे ही। तो बस तो अब आगे की क्या यात्रा है? आगे सर अब JRF करना है सर, फिर दोबारा आना है, एक बार और मेडल लेना है नहीं, चलो बस बहुत बढ़िया लगा। और आगामी विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश? ये है कि अगर आपका फोकस है पढ़ना होता है, बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं लेकिन कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है कि हाँ अगर आपको एक दिन टाइम नहीं मिल रहा है, आधा घंटा भी पढ़ लिया तो बहुत है कि हाँ ये हो जाएगा कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है। बस मैंने यही करा कि हाँ जिस दिन कई बार मन भी नहीं करता था तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इतनी बोरिंग भी नहीं है हिंदी की, मतलब कईयों को लगती है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ी जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बुक्स पढ़ने लग जाओ तो अच्छी फिर है, मज़ा अच्छी आने है। लग बुक्स जाता पढ़ने है लगो तो अच्छा लगता है। कुछ फैक्ट जैसे। होते हैं जो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होते हैं हाँ उसको पढ़ना, याद करना,
आप जैसे निबंध यूनिट दो का उसे पढ़ना थोड़ा कठिन लगता है, वो याद करना है, लेकिन अगर यूनिट नौ वाला पढ़ो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। उपन्यास पढ़ते हैं तो मतलब एक बार फ्लो बन जाता है तो मजा आने लग जाता है कि यार यार। और जब दो चार छह बार चीजें पढ़ लो ना तो खुद ही समझ आने लगती है चीजें, एक बार पढ़ने पर उतनी चीजें नहीं याद आती। तो बाकी ठीक है, अच्छा लगा, और आगे आप बढ़िए, मेहनत करिए। आगामी विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश आपको? यही है कि कोशिश करिए लगातार, बीच में अगर कुछ डिसगाइड या मतलब मोटिवेशन की जरूरत हो तो सर से मिलिए, सर कर दीजिए। किताब के लिए जैसे इनको किताबें वगैरह लोग रिकमेंड करते हैं सिलेक्शन होने के बाद, तो आप क्या रिकमेंडेशन डालेंगे? सर अगर मतलब बेस बिल्कुल ही नहीं है तो आपने जैसे बताया था पांडे पढ़िए, सेकंड यूनिट का आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट भी हो जाएगी। बाकी नोट्स वगैरह हैं सर के, और MCQ वगैरह जो सर करवाते हैं, PYQ वगैरह क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल है। अगर मेरे ख्याल से सर की क्लासेस भी ले लो तो आपका काफ़ी मतलब काफ़ी क्या लगभग सारा सिलेबस और सब कुछ कवर हो जाएगा और काफ़ी आपका अच्छा स्कोर आएगा। मेरे ख्याल से मेरा नेट हुआ है अगली बार JRP हो जाएगा। कई बार होता है ना कि वहाँ पे वो चीज़ें प्रैक्टिस की कमी होती है, तो कुछ खुद ही कमी रह जाती है। टीचर तो अपनी तरफ से वो करता है लेकिन स्टूडेंट की कुछ ना कुछ, अब मेरे को पता लग गया कि हाँ दूसरी बार मेरी क्या कमी थी, तीसरी बार मैंने उसमें काम किया। सर आपका आशीर्वाद था। तो चलो गौरव, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर आगे मिलेंगे। आप लोग खूब आगे बढ़ो, मैं बहुत खुश हूँ, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया।